अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बकास अकर की टीम से मैं आपको डायल इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली जब भी हम किसी कॉइन को या कोई भी चीज़ स्टडी करते हैं, हमें ये देखना चाहिए जब भी आप कोई भी इंडिकेटर देख रहे होते हो तो उसको स्टडी करने के लिए tradingview.com, ठीक है, ये वेबसाइट है। यहाँ पे अकाउंट बना लो आप और लॉग इन करके इस तरीके से यहाँ पे आप जब सर्च करोगे, लेट से कोई भी कॉइन में सर्च कर लूँ, BTC वगैरह वगैरह कुछ भी। सर्च करने के बाद हम नीचे आते हैं तो देखते हैं कि देखें टेक्निकल्स में क्या आ रहा होगा। ठीक है, आपके पास ना यहाँ पे इस तरीके से ये डायल बना हुआ आ रहा होगा, जैसे गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है उसी तरह होगा ये। ठीक है, इसके अलावा ट्रेडिंग व्यू के अलावा कॉइन गेको इज बेस्ट वेबसाइट, तो इसको मैं कॉइन गी को यहाँ पे भी हम जा सकते हैं, कोई भी कॉइन उठा के देख सकते हैं। जो भी हम कॉइन देख रहे हैं इसके पेज पे, हम यहाँ नीचे आएंगे थोड़ा सा, ठीक है, नीचे आएंगे तो ये देखो यहाँ पे दोबारा ये डायल बना हुआ आ रहा है। ठीक है जी, और इसके और यहाँ पे ये टेक्निकली डायल इंडिकेटर्स बने हुए आ रहे हैं, नेटवर्क ग्रोथ, लार्ज ट्रांजेक्शन, इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ है। हमें अभी तो हमारा मकसद है सिर्फ इसको ऊपर वाले को समझना है, लिखा हुआ है ना टेक्निकल एनालिसिस फॉर टेक्निकल एनालिसिस। बेसिकली यहाँ पे कोई भी कॉइन हो सकता है, सिर्फ स्टडी पर्पज के लिए बता रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा कि आप कोई यहाँ पे बाय कर लो या कुछ कर लो। ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे करना क्या है। ओके, तो सबसे पहले आपने ये करना है, देखना है कि जब भी ये जो इंडिकेटर है इस पे देखें आप क्या कि 1 मिनट रुके, मैं जरा इसको होपफुली ये नजर आ रहे होंगे, स्ट्रॉन्ग सेल लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें तो स्ट्रॉन्ग सेल लिखा हुआ है, फिर सेल है, फिर यहाँ पे ये ऊपर न्यूट्रल लिखा हुआ है, फिर बाय है और फिर स्ट्रॉन्ग बाय है। ठीक है जी, तो बेसिकली इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब ये होता है। अच्छा, टाइम फ्रेम भी आपके डिपेंड मैटर बहुत करते हैं, जिस तरीके से आपके टाइम फ्रेम दूसरी चीज़ों में मैटर करते हैं, इसीलिए यहाँ पे भी आपके टाइम फ्रेम मैटर बहुत करता है। तो एनालिसिस के लिए जब भी आप करें तो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में देखें मार्केट बुलिश है बेयरिश है क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये जो इंडिकेटर है ये ओवरसोल्ड और ओवरबॉट की इंडिकेशन देता है। ये मार्केट में हमें बताता है कि मार्केट में अभी एक्टिव ट्रेडिंग कौन कर रहा है। वैसे तो ट्रेडिंग हर कोई कर रहा होता है, लेकिन इसमें अभी मार्केट हमारी किस डायरेक्शन में जा रही है। तो बेसिकली ये एक तरीके से ट्रेंड भी बता रहा है, एक तरीके से हमें बता रहा है बेयर्स एक्टिव हैं या बुल्स एक्टिव हैं। बेसिकली बुल्स जो है वो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, बेयर जो है वो गिराते हैं, तो ये सारी चीज़ें बताता है। और उस उन सारी चीज़ों की वजह से हमें पता चलता है हाँ भाई, अगर हमारे दूसरे इंडिकेटर्स जो हैं तो वो बोल रहे हैं कि हाँ भाई एंट्री करनी चाहिए, तो इस इंडिकेटर के मुताबिक भी हमें करनी चाहिए या नहीं। तो बेसिकली ये एक और आपको जो है वो लेट से कंफर्मेशन दे देता है कि हाँ यार यहाँ पे एंट्री पॉइंट बनता है, आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है, तो समझने के लिए अगर हम इसको देखें तो देखें स्ट्रॉन्ग सेल का बेसिकली मतलब होता है ये जो कांटा है, जब ये स्ट्रॉन्ग सेल की तरफ होता है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है। बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर होने का मकसद मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जब आप कोई कॉइन खरीदने जा रहे हो तो उसमें बाइंग और सेलिंग कितनी हो रही है। तो जब ये कांटा यहाँ होता है ना तो इसका मतलब हर कोई बेच रहा है, या तो वो इस खौफ में बेच रहा है कि मार्केट क्रैश हो रही है, या कुछ और कोई न्यूज़ वगैरह आ गई है, या कुछ और हुआ है, ये वो कुछ भी हो सकता है, फलाना कॉइन के लिए कुछ हो सकता है, फलाने के लिए कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पॉइंट इज आपको इससे पता चल जाएगा मार्केट की सूरत हाल क्या है उस वक्त। ठीक है, अब ये आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में भी बताता है, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, और ये अगर हम इसको ये जो एरो बना है इस पर क्लिक करें तो ये और भी लेके जाता है, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है इन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में मार्केट ओवरसोल्ड है या ओवरबॉट है। अगर तो ओवरबॉट है, मतलब बेसिकली अगर ये
आपका स्ट्रॉन्ग बाय पे, ये जो कांटा है ना, अगर ये स्ट्रॉन्ग बाय पे आ जाए या अगर ये बाय पे भी हो, तो ये इंडिकेशन है कि आपको वो ट्रेड कोई भी हो, आपको उस कॉइन में एंटर नहीं होना, ठीक है? क्यों? क्योंकि जब आपकी बाइंग बर्ड ही होती है, तब आप फोमो का भी शिकार बन सकते हो। फोमो का मतलब होता है फेयर ऑफ मिसिंग आउट। आप बोलते हो यार कोई कॉइन इतना ऊपर चला गया, तो ऊपर चला गया, आप और बाय करते हो और बाय करते हो और बाय करते हो। इसी तरीके से वो एक खौफ आता है कि यार ये अपॉर्चुनिटी मेरे से मिस आउट ना हो जाए, ठीक है? उसके चक्कर में आप बाय करते हो बाय करते हो बाय करते हो। तो वहां पे सबसे पहली मिस्टेक आप ये कर रहे हो कि आप गलत जगह पे बाय कर रहे हो। आप चलती हुई ट्रेन में जब भी कूदोगे तो आपको लॉस होगा इवेंचुअली, ठीक है? तो जब भी हम यहाँ पे जब कांटा बाय पे या स्ट्रॉन्ग बाय पे, स्पेशली स्ट्रॉन्ग बाय पे, कभी भी आपने कॉइन बाय नहीं करना। वो भले कोई कुछ भी बोल रहा हो, वो उस चलती हुई ट्रेन में आपने छलांग नहीं लगानी, स्पेशली अगर वो बड़े टाइम फ्रेम्स में हो। फॉर एग्जाम्पल 4 आवर्स, 1 डे, और 1 आवर का डिपेंड करता है, बट अगेन वो टाइम फ्रेम्स का आपको खुद ही पता चल जाएगा इवेंचुअली। मकसद ये है कि इस इंडिकेटर को समझना है, ठीक है? हाँ, अगर कोई कॉइन ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड मतलब हर कोई उसको बेच रहा है, जान छुड़ा रहा है। लेट से बिटकॉइन जब जो है वो 3,000 डॉलर पे चला गया था, तो हर कोई बेच रहा है बेच रहा है बेच रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब मार्केट से पैसा निकल रहा है और लोग बिटकॉइन से पैसा निकाल रहे हैं अपना, तो बिटकॉइन की वैल्यू गिर रही है, तो ओवरसोल्ड हो गया था वो। तो ये जो कांटा है ये यहाँ आ गया था स्ट्रॉन्ग सेल के भी एंड पे, क्योंकि हर कोई बेच रहा था। लेकिन क्या उस वक्त कुछ लोग थे जो खरीद भी रहे थे, और जिन लोगों ने जाहिर सी बात है बिटकॉइन पे इन्वेस्टमेंट की थी, बिटकॉइन खरीदा जब वो 3,000 4,000 का गया, तो वो जाहिर सी बात है जब वो ऊपर जाता है 10,000 15,000 20,000, तो वो बंद वही बन, लोग जो है वो ट्रिपल एटलीस्ट ट्वाइस प्रॉफिट में होते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि वो उस टाइम पे खरीदते हैं जब स्ट्रॉन्ग सेल पे हो। तो स्ट्रॉन्ग सेल का मतलब है आपका कि ये बाइंग एंट्री हो सकती है सेल पे। अभी जैसे ये यहाँ पे ये घूम रही है ना, जो इसकी कांटा है सेल पे घूम रहा है, तो मैं यहाँ अवॉइड करूंगा। हाँ, और जब न्यूट्रल हो, न्यूट्रल का मतलब है आपने ये बाय सेल कुछ भी नहीं करना, आप अभी इस चीज से दूर रहो। क्योंकि या तो ये कंसोलिडेट कर रहा है कोई भी कॉइन, ठीक है, टोकन कॉइन कुछ भी, या फिर ये साइडवेज चल रहा है। और अगर मार्केट साइडवेज चल रही होती है तो मोस्ट लाइकली वो डंप भी कर सकती है या पंप भी कर सकती है, डिपेंड करता है वो उस पर कोई न्यूज आ रही है क्या नहीं है, फिर वो बाकी चीजें भी देखनी पड़ती हैं, ठीक है? तो न्यूट्रल में आपने बाय नहीं करना, बाय पे बाय नहीं करना, स्ट्रॉन्ग बाय पे बाय नहीं करना, स्ट्रॉन्ग सेल पे आप थोड़ा सा बाय कर सकते हो, सेल पे थोड़ा सा बाय कर सकते हो, न्यूट्रल पे बाय नहीं करना। तो ये सिर्फ एक इंडिकेशन है, ये नहीं बोल रहा कि आप जब भी किसी कॉइन को देखो यहाँ पे आया हुआ, आपने उसको अपना पूरे 1,000 के 1,000, अगर आपके पास 1,000 डॉलर है तो आपने सारे 1,000 डॉलर उस पर लगा दिए। ऐसा नहीं करना कभी भी। पहली बात, एक पॉइंट पे आप कभी बाय नहीं करो, हमेशा पार्ट्स में बाय करो हमेशा। और एक कॉइन में कम से कम आप इन्वेस्टमेंट करो, लेट से 100 डॉलर अगर आपके पास है, 20 डॉलर लगा लिए मैक्सिमम। लेकिन अगर किसी के पास है 1,000 डॉलर, तो मैं तो उसको मना करूंगा कि भाई आप 10% से ज्यादा अपना पोर्टफोलियो एक कॉइन में लगाओ, ठीक है? क्योंकि इससे आपकी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बेहतर होती है। तो जितना ज्यादा आप रिस्क कम रखोगे, देखो रिवॉर्ड तो आएगा आएगा, लेकिन रिस्क जब बढ़ता है तो उसके लिए रिवॉर्ड भी आपको ज्यादा आना चाहिए। तो उसकी वजह से आपकी एक तरीके से ग्रीड भी बढ़ती है, और वो ग्रीड जो है ट्रेडर को हमेशा नुकसान में लेके जाती है। तो सेफ प्ले किया करो, पार्ट्स में बाइंग और पार्ट्स में सेलिंग किया करो, ठीक है? तो कोई भी कॉइन हो, स्ट्रॉन्ग सेल का मतलब है बाइंग अपॉर्चुनिटी है, चांस है, एक इंडिकेशन मिल गई है। ये नहीं कह रहा कि यहाँ आए बाय कर लो, नहीं, यहाँ पे आपने ऑब्जर्व करना है इसको, मार्केट चल कैसे रही है सीखना है, ऑब्जर्व करना है, मार्केट को देखना है, ठीक है? सेल पे कर सकते हो बाय थोड़ा सा, न्यूट्रल पे साइड वे चल रहा है मार्केट, ऊपर भी नीचे से भी कहीं पे भी जा सकती है, मुश्किल है, वहां पे आपने बाय नहीं करना, बाय पे बिल्कुल बाय नहीं करना है, स्ट्रॉन्ग बाय तो पे तो देखना भी नहीं है कि भाई वो क्या कर रहा है,
उसको करने दो जो कर रहा है, फिर वो वहां से जहाँ ऊपर जाता है जाए, वहां पे आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो होपफुली इससे आपका ये जो डायल इंडिकेटर का एनालिसिस है, ये इसको समझ आ गया होगा ये होती क्या चीज़ है, क्यों होती है। तो एक फ्रेज भी है क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में कि बाय द फेयर एंड सेल द ग्रीड, ठीक है। तो ये जो ओवरसोल्ड ओवरबॉट की बात कर रहा हूँ, ये यही चीज़ है कि जब दुनिया घबरा जाती है, परेशान हो जाती है और सारी चीजें पैनिक सेल करती है ना, बोलती है अरे अरे खत्म हो रही है क्रिप्टो करेंसी, खत्म, जीरो हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, तो ये जो कांटा है ना, ये स्ट्रॉन्ग सेल पे आ जाता है, क्योंकि हर कोई बेच रहा होता है डर के मारे, पैनिक के मारे, कुछ भी, कोई भी मतलब हो सकता है इंसान का, उसको पैसे निकालने मार्केट से कुछ हो गया, खुदा ना खासा ये वो, मोस्टली वैसे पैनिक सेलिंग होती है और फेयर की वजह से लोग जो है डर के मारे कि भाई क्रिप्टो खत्म हो रही है ये वो सेल करना शुरू कर देते हैं, तो ये जो कांटा है ये स्ट्रॉन्ग सेल पे आ जाता है। तो क्रिप्टो में ये एक फ्रेज है कि बाय द फेयर, मतलब फेयर जब दुनिया भाग रही हो वो चीज़ आपने उस वक्त वो आपका अपॉर्चुनिटी है एंट्री लेने के लिए, और जब दुनिया ग्रेड कर रही हो ना, जैसे कोई कॉइन अपने ऑल टाइम हाई हाई ऊपर जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, आप बोल रहे हो अरे नहीं यार ये ले लेते हैं ताकि हमें भी प्रॉफिट हो जाए, वो टाइम है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट एग्जिट करता है। क्यों? ये जो कांटा है उस वक्त ये बाय पे होता है या स्ट्रॉन्ग बाय पे होता है, क्योंकि लोग धड़ाधड़ खरीद रहे होते हैं उसको, तो वो ओवरबॉट होता हो जाता है और फिर वो वहां से डंप भी वैसा ही आता है। तो होपफुली इससे सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।